बिलासपुर में तेज बरसात के कारण झंडूता विधानसभा क्षेत्र का SBM स्कूल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और स्कूल में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। स्कूल का बरामदा उखड़कर इमारत के पिलर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं तथा स्कूल के खेल मैदान में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। तेज बारिश से स्कूल किसी भी समय गिर सकता है। बता दें कि झंडूता स्कूल में लगभग 15 कमरे हैं और एक बड़ा भवन है। इसके स्कूल निर्माण के लिए 1.5 करोड़ पर खर्च हुआ है। हालांकि आजकल लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद है, नहीं तो बड़ी घटना हो जाती। ये स्कूल बरसात के कारण धीरे धीरे घिरने की कगार पर है। गनीमत ये रही कि लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद है और यहाँ पर बच्चे नहीं थे। हालांकि यहाँ पर 250 के करीब बच्चे पढ़ने आते थे। स्कूल के प्रबंधक ने बताया कि स्कूल का काफी नुकसान हो गया है। वहीं काफी स्थानों पर नाले नदियों में काफी पानी भर गया है और लगातार हो रही बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जबकि स्वर्गढ़ उपमंडल के अंतर्गत महिला गांव के समीप किरतपुर निरचौक निर्माणाधीन 4 लेन सड़क के 2 पिलर टूट गए हैं। हालांकि एक पिलर टेढ़ा हो गया है, जिससे काफी नुकसान हो गया है। हमारे बिलासपुर जिला में 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा बरसात हो रही है और हमारा जो झंडूता का SBM स्कूल है उसकी दीवार गिरने के कगार पर है और जो ग्राउंड है स्कूल का उस पर काफ़ी ज़्यादा दरारें आ गई हैं, उसको भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और हमारा जो 4 लेन का पुल का निर्माण हो रहा था, जो उसके पिलर थे जो बरसात के कारण एक ढह गया है और दूसरा टेढ़ा हो गया है। अगर आने वाले दिनों में अगर बरसात का क्रम ऐसा ही जारी रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा क्षति होने की संभावना है।